अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी जिसमें हम लोग तरीका सीखेंगे, मेथड सीखेंगे कि हम अपना जीपीए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन बीएस लेवल हमारे जो मार्क्स होते हैं वो जीपीए पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हमारा जीपीए आता है हमारी परसेंटेज या टोटल मार्क्स, इस तरह तो हमारा कुछ नहीं आता। तो हमें पता होना चाहिए कि जीपीए कैसे फाइंड होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन हमारा जीपीए कम क्यों आया है। तो जीपीए जो होता है वो मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे जो है क्रेडिट अवर्स पे डिपेंड करता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ वीडियो, तो आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो किस रेंज में है। ठीक है, हमारे मार्क्स किस रेंज में, पहले हमें अपने सब्जेक्ट का जीपीए निकालना है। तो सब्जेक्ट वाइज जीपीए के लिए हमें हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स पता होने चाहिए। हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स जिस रेंज में होंगे उस हिसाब से हमारे उस सब्जेक्ट का जीपीए होगा। अगर हमारे मार्क्स 85 से 100 की रेंज में है तो हमारा जीपीए 4 GPA होगा। ठीक है, अगर हमारे मार्क्स 80 से 84 की रेंज में है तो हमारा जो जीपी होगा वो 3.7 होगा। 75 से 79 की रेंज में मार्क्स हैं तो 3.3 GPA होगा। इसी तरह ये सब अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो आप लोग ये नोट कर लें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जीपीए कैलकुलेट करने के लिए कि किस रेंज में हमारे मार्क्स में कितना जीपीए होता है। ठीक है, तो 50 से 54 लास्ट जीपीए होता है 1.7, इससे नीचे जितने भी हमारे मार्क्स होंगे वो हमारा जो है फेल कंसिडर किया जाएगा, उस पर कोई जीपीए हमारा नहीं लगेगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज जीपीए हमारे पास पहले निकल आया। ठीक है, उसके बाद हमें अपने क्रेडिट अवर्स पता होने चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट के क्रेडिट अवर्स कितने हैं। जो सब्जेक्ट के क्रेडिट अवर्स होते हैं हर सेमेस्टर के, वो हमारी जो आउटलाइन होती है कॉलेज में डिपार्टमेंट हेड हो या किसी भी टीचर से या क्लास टीचर से अगर आप ले सकें तो वो आपको एक लिस्ट लिस्ट दे देंगी या सेंड कर देंगी आपको। उसमें हमारे पास क्रेडिट अवर्स होते हैं लिखे हुए हर सब्जेक्ट के आगे, तो उन क्रेडिट अवर्स का पता होना लाजमी है जीपीए कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा, उसमें हमारे ये सब्जेक्ट्स थे और उनके क्रेडिट अवर ये थे। मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह हम जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए और ये क्रेडिट अवर्स लिए। ठीक है, इंग्लिश थी हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में, सब्जेक्ट इस्लामियात था, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड फिज़िक्स था। ठीक है, तो इंग्लिश के हमारे क्रेडिट अवर्स थे 3, इस्लामियात के 2, लीनियर अलजेब्रा के 4, कैलकुलस के 4 एंड फिज़िक्स के 4। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हमारे सब्जेक्ट के जो हैं वो हर सब्जेक्ट का जीपीए कितना है। तो सबसे पहले हमें सपोज़ कर लेते हैं कि किसी बच्ची के या किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो इस रेंज में थे 75 से 79, तो उसका जीपीए होगा 3.3। तो ये सब्जेक्ट है यानी कि इंग्लिश का जीपीए उसका आ गया 3.3। इसी तरह इस्लामियात जो है उसमें हमारे पास 85 से 100 की रेंज में थे, अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 45 से 50 की रेंज में थे तो 4 GPA आ गया। लीनियर अलजेब्रा में 2.3 GPA। इसी तरह ये यहाँ से आप अगर रेंज के हिसाब से, मैंने एज ए एग्जांपल बस ये जीपीए लिया है ताकि आपको कैलकुलेट करना बता सकूँ। अब जीपीए हमने सब्जेक्ट वाइज निकाल लिया, क्रेडिट अवर्स हमें पता है, तो जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो जीपीए सब्जेक्ट का होता है उसको उसके सब्जेक्ट के क्रेडिट अवर्स से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो मैंने 3.3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9.9 आ गया। इसी तरह मैंने इस सब्जेक्ट के क्रेडिट अवर्स जीपीए को इस सब्जेक्ट के क्रेडिट अवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जब इन सब के क्रेडिट अवर को जीपीए से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने इंडिविजुअली, तो हमने इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ठीक है, समेशन जीपीए इनटू क्रेडिट अवर्स निकाल के जो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा यानी कि जीपीए को जब मैंने क्रेडिट अवर्स से मल्टीप्लाई किया मेरे पास ये आंसर आया, इन सब के आंसर को मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 53.9। ठीक है, 53.9 मेरे पास आंसर आएगा। अब जो फार्मूला होता है वो जीपीए निकालने का, वो होता है समेशन जीपीए इनटू सी क्रेडिट अवर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट अवर्स। टोटल क्रेडिट अवर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्रेडिट अवर्स उन्होंने हमें दिए हुए उनको ऐड कर दें। तो अगर इनको ऐड किया जाए तो मेरे पास इस सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर उसके 17 क्रेडिट अवर बन रहे थे। जब हमारे मेजर इंक्रीज़ होते जाएंगे तो हमारे क्रेडिट अवर्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो 17 जब हमारे पास जीपीए और क्रेडिट अवर का जो प्रोडक्ट लिया था उसका जो आंसर आया उसको 17 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3.1। यानी कि जो जीपीए होता है वो हमेशा आउट ऑफ 4 होता है, तो मेरा जो जीपीए निकला वो 3.1 निकला आउट ऑफ 4। ठीक है, तो ये था जीपीए निकालने का तरीका। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।